मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन रायन मूवी सीन 3 ऑफ धनुष। तो पिछले सीन में हमने देखा बड़े हो चुके हैं ये सारे भाई बहन वगैरह एंड एक्चुअली अच्छे तरीके से सेट है। वो धनुष जो है वो अपने उसको फूड का ट्रक है एंड घर भी बड़ा हो चुका है, दुर्गा बड़ी हो चुकी है एंड ऑल। सो लेट्स सी नेक्स्ट सीन में क्या होता है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मुरली नायको, वेलकम टू माई चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ए जल्दी नहा ले और टाइम पे कॉलेज जाना। हाँ भाई। ये देख कैसे सो रहा है। ये कौन सा जल्दी उठता है भाई, इसका थोबड़ा देखने से अच्छा है आप काम पे जाओ। शेखर भाई बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। नहीं नहीं ये ठीक, एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना। मत्तू बेल कहाँ है? सो रहा है वो, कल बार में एक सीन हो गया, तुरई भाई से बात कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अरे अंदर क्या बात कर रहे हैं? अरे रोज का काम है, सेतु को बुलाया है, डांट फटकार के भगा देंगे। आ रहा है, क्या बात है? दुराई भाई से मिलना है। भाई की एक मीटिंग चल रही है, इधर खड़ा हो। हाँ बात में बात। आप कहते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लेकिन आपके ही लोग गड़बड़ कर देते हैं। धंधे में आपकी दखल अंदाजी पड़ गई है। सब्र से काम लेते हैं मतलब डरते नहीं है, जब कुछ तय कर लेते हैं तो उसे मानना चाहिए ना। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। सर ये दुराई है और ये सिद्धू रामन। दुराई और सिद्धू रामन के बाप के बीच में रंजिश थी। दुराई ने सिद्धू रामन के बाप को मार डाला। अपने बाप के एरिया का बिजनेस अब सिद्धू रामन संभालता है। लेकिन सर उन दोनों के बीच की पुरानी रंजिश अब भी मौजूद है। मुझे डरा रहा है। आपको डरा सकता हूँ क्या? 25 साल तक मेरे बाप और आपके बीच रंजिश रही, बाप को मार दिया, अब कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हो। ये बात मेरे दिल में चुभती है। कोशिश करता हूँ कि उन बातों को भूल जाऊं और दिल में कुछ ना रखूं। लेकिन आपकी तरफ से जो इज्जत मुझे मिलनी चाहिए वह अब देते नहीं। ये दोनों अपने अपने इलाके में गैर कानूनी काम करते हैं। हार्बर में लॉरी एंट्री पर वसूली, हार्बर कंट्रोल, गोडाउन कंट्रोल, ब्याज पर पैसा, बूट लेगिंग, इम्पोर्टेड आइटम्स का आपस में बांटना, ये सब सालों से चल रहा है सर। दुरे का एक ही बेटा है, वो फॉरेन में पढ़ रहा है। इधर सेतु की दो बीवियां हैं। पहली बीवी दूसरी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो दूसरी बीवी अनु को अलग घर दिला दिया। सेतु तो बाप की जगह तो है पर बाप जैसा बिल्कुल नहीं। तो बच्चा है, धंधे की बारीकी नहीं जानता। मैं अपने लड़कों को बोल दूंगा, जा जा। उन दोनों ने आपस में क्या समझौता किया नहीं पता, लेकिन बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वैसे दुरई के सामने सिद्धू रामन कुछ भी नहीं है। छोड़ना मत। बात करने आया था कर ली, ज्यादा फड़फड़ाए उड़ा दो। बोल क्या बात है रायन, सुबह सुबह मुझसे मिलने आया, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। नहीं भाई वो एरिया में एक सीन हो गया तो सोचा कि आपको बता दो। क्या सीन हो गया, मैंने तो नहीं सुना। भाई वो आपसे ही पूछ के दुकान लगाई थी, उस दुकान को खरीदने के लिए दो लोग आए थे तो बातों बातों में गुस्से में मेरे भाई के हाथ से बियर की बोतल से किसी का सर फोड़ दिया, यही ना शेखर? नहीं भाई, आपका नाम लेकर धमकी दे रहे थे इसीलिए हमने। रायन तेरे भाई का हाथ बहुत खुल गया, उसे समझा रहे, कब किसका सर फिर जाए पता नहीं। कुछ बातों से मेरा सर पहले ही फिरा हुआ है, अगर ऐसी बात मेरे कानों में दोबारा आई और मेरा फिरा हुआ सर कुछ और फिर गया तो फालतू के पंगे हो जाएंगे। 10 साल पहले जब प्रॉब्लम खड़ी हुई थी मैंने समझाया, तू समझ गया था, तब भी कहा था मेरे साथ आ जा पर तू नहीं आया। नहीं भाई अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरा मुंह देख के छोड़ रहा हूँ रे, तू जानता है ना मुझे? जानता हूँ भाई। ठीक है जा। दुर्गा और मार के तो अच्छे है ना? अच्छे है भाई। बोलना मैंने याद किया। तो ये इसके साथ इसको
सॉफ्ट कॉर्नर भी है राइट, पहले ही आकर दुरई भाई से बात कर लिया अच्छा रहा, वरना बाद में परेशानी हो जाती। क्या कर सकते हैं, दुर्गा के लिए एक अच्छा लड़का दिखाया मैंने, सुंदर भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। मैं ही आपसे पूछने वाला था, लड़के के बारे में बाद में बताना, तब मैं गौर से सुनो। ए घूर क्या रहा है, दिखता नहीं है क्या, क्या बे आंखें नीचे कर। ए हां भाई इधर आ रहे। आया भाई, ये शांत हो चुका है ना। हाँ भाई। नया आया है। जी भाई। उससे मत उलझना, चल जा। ठीक है। ओहो, उससे मत उलझना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना, समथिंग लड़का आ रहा है, जल्दी चाहिए। ही नो समथिंग। जा रहा हूँ, चल रहे। अरे मुत्तो हमेशा ऐसा क्यों करता है, और माणिक कॉलेज तो जाता है ना। अब क्या बताऊँ मैं, मेरा भाई भी। भाई कितने फोन किए मैंने आपको। दुराई भाई से मिलने गया था। मुत्तू भाई को पुलिस उठा के ले गई। मैंने पूछा तो बहुत गंदे तरीके से बात की, आप जाकर पूछिए ना। रो मत। ये इसकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, मैं वही समझती हूं। इसे छुड़ा के लेके जाएगा, बोल भी। साहब गलती उन लोग की है ना साहब। गलती उनकी है, पर पहले हाथ किसने उठाया, इसी ने उसके सर पे बियर की बोतल मारी थी ना, यही तो कंप्लेंट है। साहब इसको छुड़ाने के लिए क्या करना होगा। छुड़ाने के लिए क्या करना है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, FIR फाइल नहीं हुई अभी तक। FIR जिसने क्या किया है उसने। ए तो चुप रह। देख मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत प्यार करते हैं। जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई है उससे कंप्लेंट वापस लेने को बोल। जगन्नाथ से मिलना है, दुकान खरीदना चाहते थे ना, ये उसके ओनर है। आ जाओ, आओ, आप क्या चाहिए। देखो भाई वो दुकान खरीदने आए ये गलती के, केस वापस लोगे तो अच्छा होगा। मैं केस वापस क्यों लूंगा, दुकान खरीदने आता, देनी थी नहीं देनी थी वो बोल दे, उससे बाद बियर की बोतल फोड़ दोगे सर पर। सर फट गया मेरा, हाथ टक गया है, कुछ हो जाता तो कौन जवाबदार होता। ए ध्यान से सुन, अगर कंगाल हो जाऊं तो भी परवाह नहीं, जब तक उसे जेल में सड़ा न दूं मैं चैन से नहीं सोने वाला। अंदर नहीं जाएगा, अंदर मैं जाऊंगा, मैं तेरा गला काट दूंगा, चाहे कितने भी डाके क्यों ना आए तू बचेगा नहीं, तेरे पास मेरे पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का टाइम है, तब तक तू केस वापस ले ले और उसे रिहा करवा दे, फिर तू कहीं भी जा और कुछ भी कर, चाहे कितने भी पुलिस बुला ले, ये कन्फर्म है कि तू मरेगा। ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। आया भाई क्या बात की रे, उसने कंप्लेंट वापस ले ली। गिड़गिड़ाया था साहब। गिड़गिड़ाया था, जा ले जा उसे। मजा आ गया भाई, वो तो बहुत अकड़ रहा था कि कोई मुझे छुड़ा ही नहीं पाएगा, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था। ये तेरी इतनी औकात है, घर में तू अकेला नहीं है, तेरा एक भाई और बहन भी है, दोबारा कुछ उल्टा पुल्टा किया ना तो बात नहीं करूंगा, सीधा मारूंगा। खड़ा क्या है, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, बोलना पड़ जा। क्यों रे, तुझे जेल हो जाती तो मेरा क्या होता। अरे चल जाना, भाई से शिकायत करने की क्या जरूरत थी, उससे शिकायत करेगी तो मैं डर जाऊंगा क्या, सारे फसाद की जड़ हुई है तेरी, तुम चल निकल यहां से। इनकी शादी करवा दे जल्दी, ऐसे कैसे करवा दे, पहले कोई काम धंधा तो करिए उसके बाद देखेंगे। सर अभी तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर हुआ, आप इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। रत्नम यहाँ पर सब इंस्पेक्टर थे, यहाँ के गुंडों ने उन्हें सड़क पर जिंदा जला दिया था, याद है ना। तब ये बहुत बड़ी खबर थी सर, वो एक लीडर ऑफिसर थे।
वो मेरे पिता थे। This is my city, and I'll clean it up. सब साफ करना। लंबे अरसे से चल रहा है ये सब। आप करना क्या चाहते हैं सर? बस तुम तमाशा देखो। तमाशा ही तमाशा। बच्चों, और एक 92 क्या? आज बहुत कम पी रहा है रे। कम पी रहा है? तेरा भाई ऐसा क्यों है रे? बस वो ऐसा ही है, बचपन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता रहता है। मेरी तरह उसको भी स्कूल भेजा था भाई ने, लेकिन वो पढ़ाई नहीं। ए, तेरे बड़े भाई की बात कर रही हूँ। क्या उन्हें क्या हुआ? नहीं, उसका मुंह सड़ा हुआ क्यों रहता है जैसे खड़ूस मुर्दा। खड़ूस मुर्दा? शाम को आ जाएंगे ये कह के माँ बाप घर से गए तो लौट कर ही नहीं है। किसी ने उनको कहीं मार दिया या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या हमें छोड़कर ही चले गए, इस बात तक का हमें पता नहीं चला। बचपन से ही बड़े भाई ने हम सबको पाल के बड़ा किया है। ये मजाक नहीं, बहुत दुख होता है। Thank God, इनको realization है। जब जब वो दुर्गा से बात करते हैं ना, तभी उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट देख सकते हो। दोपहर को तो आपने कुछ नहीं खाया, अभी कुछ खाया कि नहीं? घर से आ रही है तो छाता ही लेके आ जाती। आधी रास्ते पहुंची तब बारिश शुरू हुई तो मोहन की दुकान से प्लास्टिक ले ली। हाँ, अकलमंद तो है तू। तू तेरे बड़े भाई को बहुत पसंद करता है ना? पसंद तो करता हूँ, पर रिस्पेक्ट ज्यादा है। अब जैसे हम अपने बाप को देखते हैं ना, वैसे उसने बाप का ही। मैं और मुत्तू भाई ज्यादा क्लोज हैं, फ्रेंड्स की तरह। मुत्तू भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे तो फाड़ देगा, सब कुछ तो हम करते हैं उसके लिए। ये क्यों रो रहा है पर? मुर्गन भाई, एक 90 दे। क्यों, कितना सेंटिमेंट हो गया है? मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हो क्या? शेखर भाई ने बताया अगर मैं चली गई तो आपको कौन देखेगा? मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। लड़का देख रहे हो तो कलूटा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और जो 10 को मार भगाए वैसा होना चाहिए, समझे ना? अरे हंस क्या रहे हो आप? मेरे लिए कोई आलतू फालतू मत देख लेना। पहले बार कलूटा चाहिए? अरे रे, वो सब मुझसे नहीं होगा। आप ही किसी को देख के मेरी शादी करा देना, वरना मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। छी, नालायक। ए, नशेड़ी तुझसे मिलना है, मिल ले। मिलने भी देता है, पापा ही है ना ये। छोड़, सीधा उसके घर ही चली जा। सोते क्यों नहीं चुपचाप? क्यों आए? रेडियो पे आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। ये गाना सुना तो याद आ गई, उसके बाद रोना आने लगा। रामाची की याद आ गई। ए, छी, तू। छी, तू। तेरी याद आई थी रे। पिछले सीन पे तो तेरी आने लगी। इसलिए एक वाटर तेरे लिए मिले आया। अलग लव स्टोरी है। बाप रे। क्या रे? चीयर्स तो कर लेती। ढीले नाड़े, मैं तुझे कस के एक लगाऊंगी। तू चुपचाप खा लेना। अरे, तू मारना मेरी जान। इतना प्यार आ रहा है इसको। अरे देवा। ओके, लव एंगल है ये। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था बीवी है क्या है। पिछले सीन पे मुझे थोड़ा लगा कि गर्लफ्रेंड है, क्योंकि आके भाई को बता रही है कि देखो इसने ऐसे ऐसे किया, सो माइट बी गर्लफ्रेंड ही है फॉर श्योर। बट वापस ऐसे जिस तरीके का हक दिखा रही थी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। नहीं नहीं, वो गर्लफ्रेंड है। ओके, तो मुत्तू इज यू नो एक प्रॉब्लम चाइल्ड होता है सबके घर में, कि सब बड़े समझदार होते हैं, सब कुछ होता है, और एक होता है जो हर एक प्रॉब्लम करके आता है, जिसके ऊपर पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो कांड ही कांड करता है। तो उसमें से एक है शायद मुत्तू। तो जैसे कि इसने भी बोला है उसके दूसरे भाई ने कि हम दोनों क्लोज है, बट ये सबसे ज्यादा हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहता है। तो यस, एंड एक अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इन दोनों भाइयों को, बहनों को, जो भी है, सबको ना ऐसा है कि एक रियलाइजेशन है कि अपने भाई ने हमारे लिए बहुत किया है। जैसे कि
बचपन इट इज नॉट इजी, बचपन में मम्मी पापा चले गए, तब से भाई ने बड़ा किया हमको, उसने संभाला, उसने पाला पोसा एंड एवरीथिंग, तो ये एक रियलाइजेशन है। अब ये कांड करके आया, उसको भी पूरा ठीक किसने किया, बड़े भाई ने लिटरली जाके भले ही धमकी दिया जो भी किया, पर उसे अपने वे से सॉल्व कर किया, तो वो बड़ा भाई इज लाइक पापा का ही रोल प्ले कर रहा है, राइट? सो इट वॉज गुड, द सीन वॉज गुड। आप अगर नेक्स्ट सीन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले सा बाय।